हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही टेस्टी एंड यमी से गुलाब जामुन की रेसिपी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो हम नॉर्मल गुलाब जामुन बनाते हैं उससे हट के, क्योंकि हम यहाँ पर आज बनाने वाले हैं मिनी गुलाब जामुन की रेसिपी, जिसकी रेसिपी बहुत ही ईजी होने वाली है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, तो आज हम जो गुलाब जामुन बनाने वाले हैं वो बनाने वाले हैं पनीर से। तो ये पनीर मैंने घर में बनाई है, यानी ये होममेड पनीर है। तो अगर इस पनीर की रेसिपी की लिंक आपको देखनी है कि ये मैंने किस तरीके से बनाया हुआ है, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये मैंने लगभग 1 किलो पनीर यहाँ पर लिया हुआ है, यानी 1 किलोग्राम यहाँ पर पनीर मैं यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी था उसे निकाल दिया है। बस इसमें हल्का मॉइस्चर होना चाहिए, हमें उतना ही पानी यहाँ पर छोड़ना है। बिल्कुल एक्स्ट्रा पानी इसमें नहीं होना चाहिए। अगर आप एक्स्ट्रा पानी यहाँ पर छोड़ देते हैं तो हमारे गुलाब जामुन जो हैं वो एकदम नीचे से फ्लैट बनेंगे, गोल नहीं बनेंगे। तो मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ अभी 5 टेबल स्पून शुगर पाउडर, और शुगर पाउडर इसमें ज़रूर ऐड करिएगा, और हमें यहाँ पर पाउडर शुगर ही यूज़ करना है। तो 5 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर डाला हुआ है पाउडर शुगर, यानी कि 1 kg में 5 चम्मच आप पाउडर शुगर ऐड कर सकते हैं। और साथ ही मैंने यहाँ पर 3 से 4 बड़े चम्मच यहाँ पर डाल दिया है घी, ताकि हमारा जो गुलाब जामुन है वो एकदम अच्छे से बाइंडिंग भी आए उसकी, और हमारे गुलाब जामुन अच्छे से मॉइस्चर बन करके तैयार हो एकदम स्पॉन्जी। तो इसलिए मैंने यहाँ पर घी भी ऐड कर दिया है, क्योंकि जब दूध में एक्स्ट्रा फैट नहीं होता है तो हम यहाँ पर थोड़ा सा घी ऐड करते हैं, ताकि गुलाब जामुन जो है वो बहुत ही अच्छे बन करके तैयार हो। और उसके बाद हमें इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है, ताकि इसमें जो भी दाने हो वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं, यानी इसमें कोई भी दाने नहीं होने चाहिए, तभी हमारे गुलाब जामुन जो है बहुत ही अच्छे बन करके तैयार होंगे। और घी डालने से क्या होंगे कि हमारे गुलाब जामुन में क्रैक नहीं आएगा और बहुत ही बढ़िया हमारा गुलाब जामुन बन के तैयार होंगे। तो करीबन इसे मैंने 10 मिनट के लिए इसी तरीके से मसलते हुए हथेली की हेल्प से इसे अच्छे से, इसके दाने जो है वो लगभग ख़त्म हो चुके हैं, तो हम इन्हें रख देंगे फ्रिज में। तो मैंने यहाँ पर इसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था, और ये काफ़ी हद तक जो है वो टाइट हो चुका है। तो बस हमें इसे एक बार ऐसे मिक्स कर देना है, अब हम इसे नहीं मसलेंगे क्योंकि हमने इसे फ्रिज में रख दिया था और इसके जो भी दाने थे वो ख़त्म हो चुके हैं। तो अब मैंने इसे एक दूसरे बोल में ट्रांसफ़र कर लिया, और यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर। तो आप यहाँ पर चाहें तो मीठा सोडा भी ऐड कर सकते हैं, बट बेकिंग पाउडर से जो फ्लेवर है वो मुझे ज़्यादा बेटर लगता है कंपैरिजन टू मीठे सोडे के। तो यहाँ पर मैंने जो बेकिंग पाउडर डाला था उसमें 1 चम्मच डाल दिया है नॉर्मल वाटर, तो उसे एक्टिवेट करने के लिए। और जब बेकिंग पाउडर एक्टिवेट हो गया तो हम इसे अच्छी तरीके से इसमें मिक्स कर लेंगे। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया हुआ है 3/4 कप मैदा। तो अगर आप 100 ग्राम यहाँ पर ले रहे हैं पनीर, तो उसके साथ आप यहाँ पर 30 ग्राम मैदा यूज़ कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पर लिया है 1 kg पनीर, तो इसमें मैं डालूँगी 3/4 कप मैंने यहाँ पर मैदे का यूज़ किया हुआ है, जिससे कि इसको एक अच्छी बाइंडिंग मिलेंगी और हमारा जो गुलाब जामुन है बहुत अच्छा बन करके तैयार होगा। तो अब इसकी परफेक्ट बाइंड आ रही है, तो चलिए हाथों में थोड़ा सा लगाते हैं घी और इसके छोटे छोटे से बॉल्स बनाते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे कहा यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ मिनी गुलाब जामुन, तो हमें यहाँ पर बहुत ही छोटे छोटे साइज़ के बॉल्स बनाने हैं। और आप अगर बड़े गुलाब जामुन बनाने चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग साइज़ यहाँ पर छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो मैं इसी तरीके से सभी पनीर के छोटे छोटे बॉल्स बना करके रेडी कर लूँगी। और अगर आप 1 kg पनीर लेते हैं तो आपके अच्छे खासे मिनी गुलाब जामुन बन करके तैयार हो जाते हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर सभी बॉल्स बना करके तैयार कर लिए हैं, और कढ़ाई में मैंने डाल दिया है ऑयल, और ऑयल डालने के बाद हम इसमें आने देंगे थोड़ा सा हीट, इसे होने देंगे। मैं आपको दिखाती हूँ हमें ऑयल को जो है कितना हीट करना है, ताकि हम इसमें एक छोटा पोर्शन लेकर के डालते हैं। तो ये देखिए अभी बबल्स नहीं आ रहे हैं, अभी बबल्स आने स्टार्ट हो रहे हैं। तो बस जैसे ही थोड़े थोड़े से बबल्स इसमें आने लगते हैं तो बस उतना ही हमें यहाँ पर जो ऑयल को है हीट करना है। तो यहाँ पर मैं डाल दूँगी जो भी मैंने गुलाब जामुन यहाँ पर बना करके रेडी किए हुए थे। तो अगर आपको डर है कि कहीं आपके गुलाब जामुन में क्रैक ना आ जाए या फट ना जाए, तो आप यहाँ पर एक डाल करके चेक भी कर सकते हैं। मैं इसे काफ़ी बार बना चुकी हूँ, तो मैंने यहाँ पर इसे डायरेक्टली ऐड कर दिया है इतने सारे गुलाब जामुन। आप पहले एक डाल करके चेक कर सकते हैं। तो बस आपको इसी तरीके से गुलाब जामुन को टच नहीं करना है, बस हमें इस ऑयल को थोड़ा सा हिला देना है, ताकि गुलाब जामुन जो है वो नीचे सरफेस छोड़ दे और ऊपर आ जाए। तो हमें इसे
इसी तरीके से ये देखिए सारे गुलाब जामुन जो है ईजिली यहाँ पर सरफेस छोड़ चुके हैं और ऑयल में जो है ऊपर आ चुके हैं। तो इस तरीके से गुलाब जामुन को हमें हिलाते हुए इवनली आपको यहाँ पर हिलाते रहना है ताकि जो इसमें कलर आए बिल्कुल एक समान आए, यानी कि सभी गुलाब जामुन में एक जैसा कलर आना चाहिए। बिल्कुल जैसे हलवाई बनाते हैं ना मिनी गुलाब जामुन, आप देखते होंगे कि उनके गुलाब जामुन बिल्कुल कोई डार्क या कोई हल्के नहीं होते हैं, इवनली एक ही कलर के होते हैं। तो उसी तरीके से हमें यहाँ पर ये आपको एक टिप है कि आप इसी तरीके से हिलाते हुए करीबन मैंने इसे 8 से 9 मिनट के लिए फ्राई किया हुआ है लो फ्लेम पर। तो लो फ्लेम पर पहले आप हाई कर दीजिए थोड़ा सा और उसके बाद आप लो फ्लेम पर ही इसे अच्छी तरीके से फ्राई करिए। और ये देखिए इसमें बिल्कुल एक समान कलर आया हुआ है। और इस चाशनी की वीडियो मैं लास्ट में लगा दूंगी क्योंकि चाशनी तो मोस्टली सभी बनाना जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो वीडियो लास्ट में जा कर के यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने ये चाशनी किस तरीके से बनाई है। इसी तरीके मैं सेकेंड बैच भी यहाँ पर ऐड कर दूँगी और सेम वे में मैं यहाँ पर इसे फ्राई कर लूँगी। तो तब तक ये देखिए गुलाब जामुन जो है मैंने इन्हें 10 मिनट के लिए इसमें छोड़ दिया था और हमें कढ़ाई से निकालते ही गुलाब जामुन जो है उसे गर्म चाशनी में डाल देना है। और 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स कितने स्पॉन्जी हमारा गुलाब जामुन बन करके तैयार हुआ है और इसमें अंदर तक जूस पहुंच चुका है। तो इसी तरीके से मैं सारे गुलाब जामुन को जो है वो निकाल लूँगी और जैसे हलवाई डालते हैं ना यहाँ पर कोकोनट, यानी कि मैंने यहाँ पर लिया हुआ है डेसिकेटेड कोकोनट, तो थोड़ा सा मैं इसे कोकोनट को डाल करके इसे मिक्स कर दूँगी। बिल्कुल हलवाई स्टाइल में मैंने यहाँ पर मिनी गुलाब जामुन फटाफट से बना करके तैयार कर लिए हैं और आप देख सकते हैं कितने कम इंग्रेडिएंट्स में मैंने यहाँ पर मिनी गुलाब जामुन बना करके तैयार कर लिए हैं। तो ये दिवाली स्पेशल गुलाब जामुन एक बार बनाना तो बनता है, तो इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको भी ये रेसिपी बेहद पसंद आने वाली है। तो ये देखिए कोकोनट डालने से इसकी लुकिंग तो बढ़ ही गई, साथ ही साथ इसका फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आता है। तो मैंने कुछ इसे इस तरीके से प्रेजेंट किया है, तो इस रेसिपी को ट्राई करिए एंड मेरे साथ अपना फीडबैक शेयर करिए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए फटाफट से देखते हैं कि मैंने ये चाशनी किस तरीके से बनाई हुई है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर लिया एक बोल, अब बोल में मैं ऐड करूँगी यहाँ पर शुगर, तो आप किसी भी कटोरी या कप से यहाँ पर मेजरमेंट ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 कप शुगर का यूज़ किया हुआ है, तो मेरे पास पहले से भी चाशनी रखी हुई थी तो मैं उसे यहाँ पर ऐड कर दूंगी। और साथ ही मैंने यहाँ पर 2 कप नहीं 1.5 कप शुगर का यूज़ किया हुआ है और उतना ही हम यहाँ पर लेंगे पानी। तो 1.5 कप मैंने शुगर यूज़ किया हुआ है और 1.5 कप ही पानी लिया हुआ था। और इसे अब जब तक कि चीनी डिज़ोल्व नहीं हो जाती है हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर ही चीनी को अच्छे से डिज़ोल्व कराना है ताकि चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए और उसके बाद हमारी चाशनी जो है फटाफट से बनकर भी तैयार हो जाएगी। और यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 फ्रेश इलायची, यानी कि इस तरीके से मैंने इलायची ले ली है और उस इलायची को खोल दिया है और इसमें ऐड कर दिया है ताकि इसमें एक अच्छा फ्लेवर भी आ जाए। अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो आप उसे भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए लगभग 5 मिनट हो चुके हैं और चाशनी जो है लगभग तैयार हो ही चुकी है, तो बस 2 मिनट के लिए हमें इसे और बॉईल होने देना है और उसके बाद हमारी चाशनी जो है 7 से 8 मिनट में बन करके तैयार हो जाती है। तो आपको चेक कैसे करना है कि इस तरीके से उंगली के बीच में लीजिए और थोड़ी सी शाइनी सी या चिकनाहट सी आ जाती है, बस उतना ही हमें यहाँ पर चाशनी बना करके तैयार करना है। सिर्फ एक तार नहीं बनने देना है, बस एक तार जैसे ही बनने वाला है उतना, क्योंकि आपको रसगुल्लों के लिए चाहिए इस तरह की चाशनी जो रसगुल्ले एब्जॉर्ब कर ले। तो बस इस स्टेज पर आकर के हमें चाशनी को जो है फ्लेम ऑफ कर देना है और रेडी है हमारी चाशनी।